रोस्टर को ला करके दलित पिछड़ों को प्रोफेसर बनने से रोकने का काला कानून देश के अंदर लागू हुआ है। देश भर के दलित पिछड़े बहुजन नौजवान ये मांग कर रहे हैं कि हम कहां जाएंगे, हम बहुत मुश्किल से बीए करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं और आप हमारे लेक्चरशिप में जाने के तमाम रास्ते को बंद कर चुके हैं। हम 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ देश भर के अंदर आंदोलन चल रहा है, देश भर के लोग सड़कों पर हैं, आरा आंदोलन की धरती रही है। हम लोग यहाँ पर ट्रेन को जाम करने के लिए आए थे कि आंदोलन का सवाल दिल्ली तक पहुंचे, मोदी के कार्यालय तक पहुंचे, जिसने दलित और पिछड़ों का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। लेकिन यहाँ का रेल प्रशासन इतना तराशा हो चुका है जो यहाँ के नौजवानों के सवाल को सत्ता के पास पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है। हमारी लड़ाई मोदी सरकार के दलित पिछड़े को शिक्षा और रोजगार से वंचित करने के खिलाफ है। उन्होंने 10% आरक्षण लाकर नौजवानों को आपस में तोड़ने का काम किया है। उन्होंने बहुजनों के आरक्षण को खत्म करने की साजिशें रची है। हम उनके 10% आरक्षण और 13 पॉइंट रोस्टर का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। यह विरोध हम लोगों को रोक देने से नहीं रुकेगा। एकदम यह आंदोलन शुरू हुआ है और यह आंदोलन लोकसभा का चुनाव होने वाला है, मोदी के ताबूत में आखिरी किल साबित होगा। हमें गिरफ्तार कर लेने से कोई आंदोलन नहीं रुकता है। आप हम कुछ लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं।